गुड इवनिंग नमस्कार पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन बच गए थे टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क के बाकी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे तो उम्मीद करता हूं वे सवाल आप लोगों ने कर लिए होंगे आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे बहुत बढ़िया मैंने नाइन थर्टी का ही टाइम दिया था नाइन थर्टी पर मैं आ गया था आई थिंक लेट नहीं था मैं गुड इवनिंग सब लोगों को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हो तैयार कर रहे हो लॉकडाउन के अंदर तुम्हारा उत्साह टूटा नहीं होगा और जिसका टूट गया है उसका कुछ कर नहीं सकते हैं मुकेश कुमार अबोहरिया जय हिंद जय भारत बहुत बढ़िया शाबाश तो ये पढ़ाई लिखाई ये ज्ञान आपके बहुत काम आने वाला है ये आप अचीव करते जा रहे हैं चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं पाइप एंड सिस्टर्न टाइप पाइप व टंकी पाइप व टंकी टाइम एंड वर्क का ही एक टाइप होता है बस इसमें एक डिफरेंस होता है जैसे एक पाइप टंकी को भरता है एक और पाइप टंकी को भरता है एक और पाइप टंकी को भरता है तो इसी तरीके से हम लोग जो काम कर रहे हैं एक आदमी काम करता है एक और करता है एक और करता है वे सभी लोग एक ही प्रकार का काम करते हैं पाइप और असिस्टर्न वाले सवालों में डिफरेंस कहां पर आ जाता है यहां पर कुछ पाइप भरते हैं और कुछ खाली करते हैं ये डिफरेंस होता है टाइम एंड वर्क में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पांच मजदूर मिलकर एक दीवार को दस दिन में बनाते हैं और सात मजदूर उसको देते हैं दिन में तो कितने जो चार मजदूर लगे हुए बनाने में 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 और तीन मजदूर लगे हुए ढहाने तो, तो, कितने दिन दीवार बनेगी या खत्म हो जाएगी तो इस प्रकार का सवाल नहीं होता टाइम एंड वर्क में टाइम एंड वर्क में या तो बनाएंगे या तो डहाएंगे अगर दोनों प्रकार के तो पहले काम छोड़ करके आपस में निपटेंगे लड़ाई झगड़ा होने के बाद फिर जो जीतेगा उसका काम बनेगा तो तो पाइप एंड सिस्टर्न में और टाइम एंड वर्क में ये काम होता है इसमें ये हो सकता है कि दो पाइप भर रहे हैं दो खाली कर रहे हैं या एक खाली कर रहे हैं तीन खाली कर रहे हैं ये डिफरेंस होता है बेसिक डिफरेंस। वरना इन सवालों में और कोई डिफरेंस नहीं होता वैसे के वैसे ही सवाल होते हैं चलिए भैया आगे पढ़ाना शुरू करता हूं मैं शाबाश दो नल एक हौज को कर्मच से पंद्रह और तीस घंटे में भरते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने घंटे में भर जाएगी गा होता ना भाई हौज दो टू टैप्स कैन फिल अ टैंक इन फिफ्टीन आर्स एंड थर्टी आर्स इफ बोथ टैप्स ओपन टूगेदर देन इन हाउ मच टाइम टैंक विल बी फुल विल बी आना चाहिए भाई ठीक है बहुत बढ़िया इतनी इंग्लिश तुम लोग जानते हो गए इतनी इंग्लिश तुम्हें आती होगी मुझे भी आती इतनी इंग्लिश तो यहाँ पर दो नल एक हौज को कर्मचं 15 पंद्रह घंटे और तीस घंटे में तो इसका एक घंटे कम हो जाएगा एक बटा पंद्रह और इसका हो जाएगा एक बटा तीस मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा तीस ये दो जमा एक ये तीन बटा तीस काटेंगे एक बटा दस मतलब दस घंटे में काम पूरा सी इज़ राइट आंसर एक दो आदमी एक काम को कर्मच से पंद्रह घंटे और तीस घंटे में करते हैं दोनों एक साथ काम पर लगा दिए जाएं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा और दो नल एक हौज को कर्मच से इतनी देर में भरते तो दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बहुत बढ़िया अब मैं आगे बढ़ाता हूं उम्मीद करता हूं यह सवाल तुम्हें आ गया होगा अब यहां पर इसकी जगह पर मैं कुछ और लिखता इस पंद्रह की जगह मैं यहां लिख देता बारह और यहाँ लिख देता चौबीस तो फिर मैं इसका काम करता एक बटा बारह फिर इसका लिखता एक बटा चौबीस एक बटा बारह जमा एक बटा चौबीस एल्शियम चौबीस आ जाता चौबीस आता मैं यहाँ पर लिखता तो ये दो और ये जमा एक करता तीन बटा चौबीस आता इसको हम काटते एक बटा आठ आता फिर आठ घंटे में काम पूरा हो जाता मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी इसके अंदर मैं तुम्हें एक छोटा सा शॉर्टकट समझाना चाह रहा हूं अगर तुम्हारी मन की बात बने ये बारह और ये चौबीस ये डबल है जब ऐसे काम डबल होता डबल दिन में होता है तो बड़े को तीन से भाग कर देंगे डायरेक्ट आठ उत्तर आ जाएगा तीन से भाग बड़े को अभी जो मैंने यहां पर लिखवाया ये बारह और आठ के केस में लिखवाया पंद्रह और तीस डबल है बड़े को तीन से भाग कर देंगे दस सीधा उत्तर आ जाएगा अगर दुगना होता है तो तीन से भाग करते हैं अगर तीन गुना हो तो चार से भाग कर देंगे सवाल लिखता हूं तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी अगर 12 और 36 ऐसे दे दिया जाए कि एक 12 घंटे में दूसरा 36 घंटे में तीन गुणा है तो बड़े को चार से भाग कर देंगे घंटे उत्तर उत्तर। आ जाएगा, सीधा उत्तर। मैं उम्मीद करता हूं यह बात तुम सभी लोगों को समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर सवाल है दो नल ए तथा बी एक हौज को कर्मश से 20-25 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं जबकि तीसरा नल उसे 30 में खाली कर सकता है तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हॉज कितनी देर में भरेगा मतलब शुरुआत में हॉज है खाली उसमें पहला अगर खोल दिया जाए तो 25 मिनट में भर सकता है दूसरा खोल दिया जाए तो वो 40 में और तीसरा अगर भरा हुआ हौज है उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है टू टैप्स ए एंड बी फिल द टेंक इन 25 फाइव एंड फोर्टी मिनट्स वाइल थर्ड टैप एम टीज द टेंट इन 30 मिनट्स इफ ऑल टैप्स ओपन टुगेदर देन इन हाउ मच टाइम विल बी फुल। पहले का काम हो जाएगा भैया एक बटा पच्चीस दूसरे का हो जाएगा भैया एक बटा चालीस और तीसरे का हो जाएगा भैया माइनस एक बटा तीस माइनस मतलब ये खाली कर रहा है जो भर रहे हैं उसको प्लस कर लेंगे और जो खाली कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे इनका एलसीएम लेंगे सबसे बड़ी संख्या यहां पर है चालीस चालीस के बाद दूसरे नंबर पर है तीस अब चालीस तीस से भाग नहीं होता है तो चालीस का डबल करेंगे अस्सी तीस से भाग नहीं होता चालीस का तीन गुना करेंगे एक सौ बीस तीस से भाग होता है एक सौ बीस फिर पच्चीस का नंबर आ गया एक सौ बीस पच्चीस से भाग नहीं होता पांच रहता है तो पांच से गुना करना पड़ेगा छह सौ एलसीएम आएगा पच्चीस से भाग करेंगे चौबीस चालीस से भाग करेंगे तो पंद्रह और तीस से भाग करेंगे तो बीस चौबीस में से बीस घटा लो चार और फिर उन पंद्रह जोड़ दो उन्नीस बटा छह सौ, इतने मिनट में भरेगा तो कुल कितने मिनट लगेंगे तो इसका उल्टा करते हैं पच्चीस मिनट में भरता है तो एक बटा पच्चीस उल्टा रेसिप्रोकल टाइम एंड वर्क में सारी बातें मैं बता चुका हूं तो यहां पर इसको 600 बटा 19 करेंगे 600 बटा 19, 19 से भाग करेंगे 19 तिया सत्तावन फिर यहां पर तीन बच गया 19 एकम 19, 31 यहां पर एक ही जगह पर दे रखा है 30 में से 19 गया तो 11 बटा 19 हो जाएगा इतना ना भी करें तो 31 पे काम चल जाएगा 31 एक ही जगह पर है मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी लोगों को समझ में आया होगा और नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज इसको करके देख लेना बहुत बढ़िया कुछ मेरे से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं वे लोग कमेंट करते जा रहे हैं तो वे लोग जो है बहुत बढ़िया लोग हैं बहुत ही बढ़िया चलिए तीसरा सवाल दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रमश से बारह मिनट तथा सोलह मिनट में भरते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो बी नल को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि हौज नौ मिनट में भर जाए दो हौज है पहला हौज है बारह मिनट में भर सकता है अगर पूरा खोला रखा जाए तो दूसरा सोलह मिनट में भरा रहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए गए अब पहला नल चलता रहा दूसरा नल थोड़ी देर बाद बंद कर दिया गया जिससे कि हौज नौ मिनट में भर गया सवाल दोबारा से पढ़ के देखें

और नौ मिनट चलाइए नौ मिनट में टिंक भरा नौ मिनट चलाइए तो नौ मिनट का काम हो गया नौ बटा बारह इसका मतलब हो गया तीन बटा चार तीन बटा चार काम किया टैप ए ने ए नल बारह मिनट में भर सकता एक मिनट का काम एक बटा बारह नौ मिनट में भरा और बी बंद कर दिया गया तो नौ मिनट ये चला मतलब तीन बटा चार काम हो गया तो बाकी काम बच गया एक बटा चार एक बटा चार काम बी ने किया बी सोलह मिनट में कर रहा है सोलह मिनट में टोटल काम करता सोलह मिनट में करना है एक बेटा चार तो गुना सोलह करेंगे इससे काट देंगे मिनट बाद बी नल बंद कर दिया गया जिसके चलते नौ मिनट में टोटल टैप भर गया मैं उम्मीद करता हूं यह बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बहुत बढ़िया चौथे नंबर पर मैं सवाल में पहुंच गया चौथा नंबर क्वेश्चन दो नल ए तथा बी एक हौज को कर्मच से चौबीस और बत्तीस मिनट में भरते हैं दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए और बी नल को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए बी फिर से बंद करना है जिससे कि हौज अठारह मिनट में भर जाए मतलब ए चलता रहेगा ए का एक मिनट का काम एक बटा चौबीस अठारह मिनट का काम अठारह बटा चौबीस काटेंगे छह से तीन बटा चार बच गया कितना एक बटा चार बत्तीस के हिसाब से एक बटा चार आठ मिनट मिनट में काम हो जाएगा आठ मिनट फोर्थ क्वेश्चन ए आंसर बहुत बढ़िया मैं समझता हूं ये बात तुम समझ रहे होगे बहुत ही अच्छी बात है बहुत बढ़िया चलिए पांचवे नंबर पर सवाल मैं करवा रहा हूं दो नल होज को कर्मश से पंद्रह मिनट और बीस मिनट में भरते हैं दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए बी नल को कितनी देर में बंद कर दिया जाए कि बारह मिनट में भर जाए एक मिनट का काम एक बटा पंद्रह बारह मिनट का काम बारह बटा पंद्रह मतलब और पैंतीस मिनट में बीस मिनट में भर जाना चाहिए बीस मिनट में भरेगा तो बीस बटा पच्चीस काम होगा चार बटा पांच एक बटा पांच काम रहेगा एक बटा काम सात मिनट में करेगा बीस सही उत्तर है छठा सवाल सात मिनट बहुत बढ़िया यह अच्छा सवाल है यह पेपर में बहुत बार रहता है एक टैंक दस घंटे में भरता है परंतु इसके पेंदे में पंदे नहीं होता यह पेंदे होता बेटा पेंदे में छेद रहने के कारण यह बारह घंटे में भर जाता है भरता है लिख लो भरता है एक टैंक है टैंक में पाइप लगा हुआ उसको अगर भरते हैं तो भरना दस घंटे में भर जाता है लेकिन उसके पेंदे, पेंदा मतलब तलेटी तलेटी मतलब उसमें भर रहा है और उसमें से लीक होता जा रहा लीक होता जा रहा लीक होता जा रहा लीक होने के कारण बारह घंटे में भरा पहले भरता था दस घंटे में फिर बारह घंटे में इस पर यह भी लिख सकता था दो घंटे ज्यादा लगे तो भी बात तुम यही समझ जाना यदि टैंक पूर्ण रूप से भरा हो तो छेद कितनी देर में उसको खाली कर देगा अगर छेद नहीं था तो एक घंटे का काम था एक बटा दस और जब छेद था तो एक काम उसका काम था एक बटा बारह तो इसको मैं घटा दूं तो ये छेद का काम आ गया ये छेद से पहले ये छेद के बाद तो जो डिफरेंस है वो छेद का काम एलसीएम साठ बारह को दस से भाग करेंगे नहीं हो रहा बारह दुनिया चौबीस नहीं हो रहा बारह छत्तीस दस से भाग नहीं हो रहा बारह अड़तालीस दस से भाग नहीं हो रहा ऐसे पाड़ा लेते जाएंगे साठ बारह पंजे साठ दस से भाग होता है छाइनस पांच एक बटा साठ मतलब साठ घंटे में भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी अगर उसमें से बिल्कुल भी पानी ला जो छेद जो उसमें से पानी निकल रहा है तो वो पानी इसको खाली कर देगा बहुत बढ़िया सवाल पेपर में कई बार आता है बहुत ही खुशी की बात है आठवां सवाल एक टैंक घंटे में भरता है परंतु इसके पेंदे में छेद रहने के कारण चालीस घंटे में भर पाता है जब छेद नहीं था तो एक बटा तीस काम और जब छेद था तो एक बटा चालीस और जो डिफरेंस है वो छेद के कारण अब तीस से भाग नहीं होता अस्सी बड़ी संख्या का पढ़ा लेते हैं चालीस या एक सौ बीस तीस से भाग करेंगे चार माइनस तीन एक बटा एक सौ बीस मतलब एक सौ बीस घंटे में ये काम पूरा होगा आठवां सवाल ए उत्तर सही है उम्मीद करता हूं सबको सवाल आ रहा होगा अरे आठ ही सवाल थे बहुत बढ़िया एक सवाल और पेपर में बहुत ज्यादा आता है उस सवाल को जो है यहां पर पीडीएफ नहीं है मैं वैसे ही करवा देता हूं ध्यान से सवाल करना तीन पाइप है एबीसी तीन पाइप ए बी सी ए तीन घंटे में भर सकता है बी चार घंटे में भर सकता है सी एक घंटे में खाली कर सकता है ए तीन घंटे में भर सकता है बी चार घंटे में भर सकता है सी एक घंटे में खाली कर सकता है एक खाली टंकी में यह पाइप कर्मश तीन बजे चार बजे और पांच बजे खोले जाएं, तो टंकी पूरी खाली कब हो जाएगी बिल्कुल खाली टंकी है उसमें पहले ये तीन बजे खोल दिया पाइप तो कुछ पानी भरेगा फिर ये भर दिया ये भी चलेगा और फिर ये उसको खाली करना चालू कर देगा पांच बजे तो इनमें से ये कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी इस सवाल का उत्तर सबको याद रखना चाहिए सात बजकर बारह मिनट पर इसका उत्तर आता है बाकी मैं अभी चेक करके बता दूंगा तुम्हें तुम लोगों को सवाल समझ में आएगा एक बार मैं फिर से सवाल बोल रहा हूं सवाल है कि तीन पाइप है तीन पाइप में पहला पाइप ए तीन घंटे में टंकी को भर सकता है दूसरा पाइप बी चार घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप सी एक घंटे में उसको खाली कर सकता है ये पाइप क्रमश तीन बजे चार बजे और पांच बजे साए खोले गए तो पूरी टंकी दोबारा से खाली कितने बजे हो जाएगी बहुत बढ़िया अब मैं आगे बढ़ूंगा एक घंटे काम एक बटा तीन ये सारे चालू होंगे पांच बजे तक तो पांच बजे तक ये चलेगा ये तीन बजे चालू होगा पांच बजे तक चलेगा तो दो घंटे चलेगा तो इसका काम हो गया गुणा दो एक बटा तीन एक घंटे का काम गुणा दो दूसरे वाला एक बटा चार और ये गुणा एक क्योंकि एक ही घंटा चलेगा चार से पांच तक तो इसने टंकी भरी दो बटा तीन और दूसरे वाले ने एक बटा चार एल्सियम बारह चार दुनी आठ तीन एकम तीन ग्यारह बटा बारह टंकी फुल। अब पांच बजे ये तीनों चलते हैं ए काम करेगा एक बटा तीन बी करेगा प्लस एक बटा चार और सी करेगा माइनस एक बटा एक क्योंकि एक घंटे में ये खाली करता है इन सब का एलसीएम लेंगे बारह अब तीन से बारह भाग करेंगे तो चार आएगा चार एकम चार जमा चार से भाग करेंगे तीन एकम तीन और माइनस एक से भाग करेंगे तो बारह बारह से गुणा करेंगे तो बारह एकम बारह तो चार और तीन सात माइनस बारह आंसर आया माइनस पांच बटा बारह टंकी फुल है भैया ग्यारह बटे बारह और हर घंटे में खाली होगी ग्यारह बटा बारह अपनी आत्मा की शांति के लिए इस बारह को काट देना ग्यारह यूनिट है और एक घंटे में पांच निपटेंगे तो पांच निपटी पांच बजे चालू पांच गई छह रह गई और बजे फिर से पांच गई गई एक एक रह गई। इसके बाद घंटे में पांच निपटनी चाहिए एक बची हुई है तो एक बटा पांच घंटा लगेगा सात बजे के बाद 5 पीएम पर स्टार्ट हुए 6 पीएम पर छह बच गई 7 पीएम पर एक बच गई एक में जो है एक बटा पांच और इसके मिनट बनाने के लिए करते हैं तो ये बारह तो सात बजकर और बारह मिनट पर वो टंकी दोबारा से पूरी खाली हो जाएगी उम्मीद करता हूं ये सवाल सभी लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया टाइम एंड वर्क का इस प्रकार से मैंने तुम्हारे सामने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है यूट्यूब के ऊपर मैं तुम्हें कहूं तो यूट्यूब पर मैं एंड प्रपोर्शन पूरा करवा चुका हूं भाई इस पर मैं पार्टनरशिप करवा चुका हूं एक स्पेलिंग इधर उधर हो जाए तो दिल पर मत लेना इसके बाद एजीज़ वाले क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन के इसके बाद मैं तुम्हें करवा चुका हूं भाई परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके बाद टाइम एंड वर्क मैंने पूरा करवा दिया हम्म ये मैं यहां पर जो तुम्हें करवा रहा हूं ये मैंने तुम्हें अर्थमेटिक का सेक्शन बता रहा हूं अर्थमेटिक का सेक्शन इसके बाद मैं तुम्हें जो करवा चुका हूं भाई इसके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और फिर इन तो ये चैप्टर मैं तुम्हें करवा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर इनको आप लोग सही से करो और इसकी प्रैक्टिस करो इन सभी चैप्टर्स के आईसीएस होमवर्क ऐप है आईसीएस होमवर्क एंड्रॉइड पर है आईसीएस होमवर्क इस ऐप के ऊपर इनके टेस्ट बनते हैं टेस्ट दिए जाते हैं इन टेस्ट को देखो ये सब करने के बाद तुम्हें कितने समझ में आए कितने समझ में नहीं आए तो ये सब बातें जो है आ गई है समझ में तुम्हें इन सब चीजों को बड़े आराम से तुम करते जाना पढ़ते जाओ इस दौरान जो आदमी खाली बैठा है तो खाली बैठा ही है इस दौरान जो आदमी जो सही पढ़ रहे हैं तो वे सीखते जा रहे हैं अभी लॉकडाउन का पता नहीं कितने दिन चलेगा अभी एक महीना और चलेगा दो महीने और चलेंगे छह महीने और चलेंगे अभी पता नहीं है कई दिन से अब लगातार बीस हजार प्लस लोग कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं अभी मार्केट और शहर और सब चीजें खोल दी गई हैं जिसके चलते कोरोना और ज्यादा बढ़ने के चांसेस है तो अपने आप को सेफ बनाए रखो अपने आप पढ़ते रहो जितना ज्यादा पढ़ोगे तो जिस दिन ये कोरोना खुलेगा जिस दिन भर्तियां निकलेंगे उसी दिन तुम नौकरी लग जाओगे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो आशा खो देते हैं आशा है ही नहीं उनके अंदर अब जो आदमी आशा खो चुके हैं उनका कुछ हो नहीं सकता है बाकी सभी लोगों को पता है। ये जीवन ऐसे ही चलेगा ये देश ऐसे ही चलेगा ये सरकारें ऐसे ही चलेंगी ये सब चीजें नौकरियां ऐसे ही निकलेंगी और आपकी तैयारी जिस चीज की है वे लोग नौकरी लग जाएंगे बाकी लोग ऐसे कैसे रह जाएंगे <coughs> जीवन में अप्स और डाउन आते हैं कोरोना के कारण थोड़ा सा मंदा है नौकरियां नहीं निकल रही हैं लेकिन जब भी कोरोना डाउन होगा तो सरकार को कर्मचारी चाहिए नौकरियां निकलेंगी तो जिन लोगों की तैयारी है वे लोग जो सही कर जाएंगे बाकी लोग रह जाएंगे इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी ग्रुप डी में सिलेक्शन हुए हैं जेई में सिलेक्शन हुए हैं एयरफोर्स में सिलेक्शन हुए हैं अलग अलग जगहों पर जो है ना ये सिलेक्शन का प्रोसेस चलता रहता है और बहुत सारे बच्चे ये जो है भेजते रहते हैं कि हाँ जी लोग हम नौकरी लगे हैं जिस तरीके से पढ़ के लोग नौकरी लगे हैं तो वही सवाल मैंने यूट्यूब पर तुम लोगों को करवा दिए हैं ताकि लॉकडाउन के अंदर फिर तुम ये ना कहो कि हमें नहीं करवाया गया और जो ये जो ना सिर्फ इतना करने से बात बनती नहीं है जो ये टेस्ट देते हैं वो टेस्ट देने के बाद पता चलता है हमारी कमी कहां पर है सौ नंबर का टेस्ट हर सैटरडे होता है हर संडे होता है और बीच में जो है पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते रहते हैं हर रोज एक दो तीन इस प्रकार से टेस्ट होते रहते हैं अब जिनको सोलूशन भी चाहिए जिनको सही से पढ़ना भी होगा तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे पांच हजार रुपए आईसीएस के स्टूडेंट के लिए और जो आईसीएस के स्टूडेंट नहीं है उनको छह हजार रुपए और वो पढ़ाई आप नौकरी करते हुए अपने घर पर रहते हुए जो लोग घर से पढ़ने नहीं आ सकते तो वे सभी लोग इस पर पढ़ सकते हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं उसके ऊपर तो उनको बड़ा मजा आ रहा है अब जैसे सेंटर में पढ़ने के बाद रिजल्ट मिलता था तो वैसे ही ऐप के ऊपर पढ़ने के बाद भी रिजल्ट मिलेगा और आपको ये पेपर सोल्यूशन और ये सब चीजें जो जो कमी रहती है उन कमियों के ऊपर काम किया जाता है आईसीएस के अंदर टेस्ट नहीं होते थे तो टेस्ट का सोल्यूशन हमने जो ऐसा निकाल दिया है कि ये टेस्ट लगातार कंटिन्यूस होते रहेंगे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सेंटर चालू हो जाएगा तो क्लासेज जो है बंद हो जाएंगी नहीं एक क्लासिस चलती रहेंगी सेंटर के टाइम पर सेंटर की क्लास चलेंगी एक्स्ट्रा टाइम पर जैसे ऐप पर पढ़ाया जा रहा है सेंटर की क्लास में पढ़ाना और ऐप पे पढ़ाना दोनों में डिफरेंस है आप लोग इसको जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनको जो है अलग अलग डिफरेंस महसूस होता होगा यूट्यूब पर पढ़ाने का तरीका अलग है यूट्यूब के ऊपर टफ क्वेश्चन करवा ही नहीं सकते क्योंकि नीचे लिखने वाले लोग जो है स्पीड कम करो स्पीड ज्यादा करो फिर ये करो फिर वो करो जो लोग कंटिन्यूअस शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको स्पीड की दिक्कत थोड़ी है मैंने जैसे क्लास में पढ़ाया वैसे पढ़ाया तो अभी मैं कमेंट देख रहा था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे इस प्रकार से ये वो मामला इधर उधर का मामला चल रहा था निराश होने की जरूरत नहीं है दुखी होने की जरूरत नहीं है दो दिन का गैप है ये गैप चला जाएगा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि रात अंधेरी थी तो सवेरा नहीं हुआ कितना ही गहरा अंधेरा हो सूरज ने हमेशा रोशनी की है और ये रोशनी फिर से होगी फिर से ऐसे ही बाहर आएंगी जीवन वैसे ही चलेगा आप लोगों को जरूरत है सही से अपनी तैयारी करने की सही से मोटिवेटेड रहने की चलिए आज YouTube के चैनल को दो साल कंप्लीट हो गए हैं चलिए ये मुझे नहीं पता था अभी टेक्निकल टीम ने बताया है दो साल पहले हम लोगों ने ये YouTube चैनल बनाया था और दो साल के अंदर अंदर इसने वन मिलियन का जो है टारगेट अचीव किया था आप सभी लोगों का बड़ा प्यार मिलता रहा है थैंक यू वेरी मच बड़ा सहयोग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने लगातार वीडियोज को लाइक किया है शेयर किया है इसको कमेंट्स के माध्यम से अपनी बातें बताई हैं, तो हम लोग भी आप लोगों के लिए मदद कर पाए हैं यूट्यूब के ऊपर हमने बहुत सारा मेटेरियल डाल रखा है अगर आप इनको पढ़ोगे तैयार करोगे तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ये जो है प्यार ये साथ इसी तरीके से बनता रहेगा और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके सामने वो मेटीरियल और वो रास्ता जो आपको सफल बना सके देते रहेंगे इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच दो साल के अंदर वन मिलियन सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है आपका बहुत ज्यादा साथ रहा है बहुत ज्यादा सहयोग रहा है चलिए

अब मैंने जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले का करवा रखा है वो तब तक तुम लोग देख सकते हो जो का मैंने पहले वाला चैप्टर करवा रखा है उसमें आयत तो वर्ग वो सब बातें तो उतना बेसिक नहीं बताना पड़ेगा उन वीडियोस को तब तक देख लो तब तक मैं टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल जो है दो चार दिन के अंदर जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं करवा देता हूं तो इस प्रकार से इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने आईसीएस के वे सभी नोट्स तुम्हें यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग जो है नेगेटिव है नेगेटिव तो रहेंगे मुझे नेगेटिव लोगों से कोई दिक्कत नहीं है मुझे खुशी मिलती है कि कुछ लोग नेगेटिव रहते हैं आप लोग जो पॉजिटिव लोग हैं जो लोग सहयोगी रहते हैं जो लोग सदा साथ देते रहते हैं मुझे आप लोगों के लिए जो है ये सब करना है और ये मैंने कर दिया है बहुत प्यार आप लोगों का मिलता रहता है इस टाइम पर जो इतने लोग होना जो छोटी सी बात नहीं लाइव होना लोगों के 10, 20, 50 सौ रहते हैं और बेशर्मी के साथ वे लोग लगे भी रहते हैं उन लोगों को पता नहीं है कि उनके कंटेंट में दम नहीं है उनको ये पता नहीं है कि उनका जो लेवल है वो लेवल बहुत खराब है लगातार लेवल 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 लेवल, लेवल चीखते रहते हैं अगर लेवल अच्छा हो ना तो फिर लोग पढ़ते हैं अगर लेवल और कंटेंट अच्छा हो तो लोग जो है प्रमोट करते हैं अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो लोगों को अपनी कमी ढूंढनी चाहिए कुछ आता है नहीं लेवल लेवल लेवल, लेवल और ये सब बातें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का बहुत बहुत आभार होमवर्क के ऊपर आपको लगातार पेपर मिलते रहेंगे उस पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे पेपर करने के बाद आपको पता चल जाता तुरंत प्रभाव से कि आपको कितने नंबर मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं चलिए हम कोशिश जारी रखेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर पाए अच्छी सुविधाएं लेने के लिए देखो पैसे देने पड़ते हैं पैसे लगते हैं वो पैसे तो आपके लगेंगे लेकिन हम आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे अगर एक या दो सैलरी लग जाती है ना नौकरी लगने के लिए तो कॉस्टली बात नहीं है बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत सारी गलत बातें समझा सकते हैं नेगेटिव लोगों से हमेशा बच के रहना है हम लोग जब पढ़ते थे तो हम भी फीस देते थे हम फीस दे करके पढ़े हैं फीस दे करके हमने सीखा है तुम्हें सीखना पढ़ना तो तुम्हें भी फीस देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत संप्रेषण नहीं बातों के चलते चला है और तो तुम फ्री का मामला चलने लग गया भाई साहब कुछ नहीं मिल सकता है और ना फ्री में लेकर के लोग जो लोगों को हजम होता है और फिर भी जो नोट्स की बात थी जो पढ़ाई की बात थी तो वो मैंने तुम्हें मैक्सिमम पार्ट करवा दिया है महीने दो महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सभी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे जो मैंने पढ़ाए हैं और जो पढ़ के लोग नौकरी लगे हैं अब जिसमें दम है वो यूट्यूब पर पढ़ ले और जिसको लगता है कि प्रॉपर गाइडलाइंस चाहिए प्रॉपर तरीके से हमें चाहिए कि हमारा नियंत्रण क्या हो रहा क्या नहीं और फिर जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का सोल्यूशन की हमने गलती कहां पर की वे सवाल कहां से आए थे तो मैं बताता हूं सॉल्यूशन में मैं बताता हूं कि ये सवाल देखो उस वहां से था और उस वीडियो में मैंने करवाया दोबारा देखना उस वीडियो को अगर तुम्हारे ये सवाल गलत है तो एक एक क्वेश्चन के ऊपर ये बताया जाता है तो जो सीखते हैं जो समझते हैं और उसके बाद उसको हम डिलीवर कर पाते हैं दोनों अलग अलग बातें हैं इन कमियों के ऊपर लगातार काम करते रहे लगातार आप लोगों के फीडबैक के ऊपर काम करते रहे तब हम आज यहां पर है चलिए और इसी प्रकार से आप लोग हमें फीडबैक देते रहेंगे बताते रहेंगे तो यूं ही हम आपकी मदद करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आज दो साल पूरे हुए इसी कारण से मैंने आपके दो चार मिनट ज्यादा ले लिए वरना मैं सवाल ही करवाने के लिए आया था चलिए आभार आप लोगों का